हेलो माय लवली स्टूडेंट दिस इज मानसी वेलकम बैक टू दी चैनल नाउ वी गोइंग टू स्टार्ट विद द बैक एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड सबसे पहले बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है द किडनी इन ह्यूमन बीइंग्स आर अ पार्ट ऑफ व्हिच सिस्टम कौन से सिस्टम में हमने किडनी पढ़ा था क्या काम करते हैं किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं जो फिल्ट्रेशन का काम करते हैं यूरिन फॉर्मेशन का काम करते हैं तो मतलब कहां का पार्ट है ये हमारे एक्सक्रीशन प्रोसेस का ठीक है एक्सक्रीटरी प्रोसेस जो है उसका पार्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम का ये पार्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं सेकंड है द जाइलम इन प्लांट इज रिस्पॅॉन्सिबल फॉर जाइलम का काम क्या होता है बेटा पानी को ट्रांसपोर्ट करना सो so, पर लो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फूड या अमीनो एसिड या ऑक्सीजन क्या काम होता है इसका सिर्फ पानी को ट्रांसपोर्ट करने का इसका काम है नेक्स्ट बेटा हमारा है द ऑटोट्रॉप द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स ऑटोट्रॉफिक मोड न्यूट्रिशन कौन करते हैं ग्रीन प्लांट्स करते हैं सो so, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर क्लोरोफिल सनलाइट क्या चाहिए होता है सारी चीजें ही चाहिए होती हैं, ऑल ऑफ carbon डाइऑक्साइड water एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन अब देखो ये थोड़ा समझ दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है हमें पता है glucose का जब बेटा ब्रेक डाउन होता है तो ये हमारा बनता है अब इसमें आगे तीन कंडीशन हैं एक होता है ऑक्सीजन का प्रेजेंस एक होता है ऑक्सीजन का ना होना एक होता है ऑक्सीजन का कम होना लैक ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन सो so, कार्बन डाइऑक्साइड वॉटर और हमारा एनर्जी कहाँ बनता है वेन देअ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्योंकि जब एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है सो so वहाँ पे क्या बनता है हमारा इथोनॉल बनता है एंड सी ओ टू बनता है एंड वेयर देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन वहाँ पर बेटा हमारा लेक्टिक एसिड बनता है एंड हर केस में एनर्जी तो बनता ही है ठीक so है सो सिर्फ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है जहाँ पर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी बनता है और इसमें भी एनर्जी सबसे ज्यादा तो अब ये किसमें होता है प्रेजेंस ऑफ एनर्जी में कहां पे ये काम होता है माइक्रोक्वाड्रिया में सो so, आंसर है हमारा माइक्रोकॉन्ड्री अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें बेटा तो साइटोप्लाज्म में पहला स्टेप होता है जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है पायरोवेक में ठीक है चलो आगे बढ़ जाते हैं बेटा सो क्वेश्चन फाइव है हाउ आर फैट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडीज वेयर डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस सो भाई कहाँ पे हमारे फैट डाइजेस्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में अलग अलग एंजाइम उस पर वर्क करते हैं एंड हमारे फैट्स को डाइजेस्ट करते हैं जिसको हम इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट भी बोलते हैं सो so, बेटा We will write it as the majority of fat digestion happens once it reaches the small intestine.

ये हेल्प करता है जब वो उसको छोटा छोटा पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देता है तो दे कैन ईजिली एक्ट ऑन देम दिस इज रेफर टू एज इमलिफिकेशन ऑफ फैट दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन

तो वो इस चार्ज का ब्रेक डाउन करता है बेटा शुगर में जिससे खाना हमारा आगे जाके कर करने में डाइजेस्ट करने में ईजी रहता है तो सलाइवा कंटेन लाइवरी एंजाइम एम या सलाइवरी एंजाइम कॉल्ड एम दैट ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू शुगर सलाइवा कीप्स द माउथ कैविटी क्लीन एंड मॉइस्चर द फूड व्हिच हेल्प्स इन चूंग एंड ब्रेक डाउन द बिग pieces ऑफ फूड इन टू स्मॉल पीसेस तो ये तो एक मेजर काम है ही उसके एंजाइम का उसके अलावा हमारे माउथ में जब आप कुछ खाना बिल्कुल ड्राई होगा तो आप उसको ढंग से च्यू और अंदर पुश नहीं कर पाओगे सलाइवा की वजह से वो खाने को मॉइस्ट करते हैं जिससे आप अच्छे से चू कर पाते हो एंड बिग पीसेस को च्यू कर करके स्मॉल पीसेज में ब्रेक डाउन कर सकते हो ठीक है बेटा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेवंथ है, है बेटा वॉट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रीशन एंड वॉट आर इट्स बाई प्रोडक्ट

ऑफ़ ऑक्सीजन सो ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है बेटा वो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की एबसेंस में होता है बेटा वो हमारा उन ऑफ फूड अकर्स इन एरोन यहाँ पे कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है इधर पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ फूड अकर्स इन एनारोबिक जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो पार्शियल ब्रेकडाउन हो पाता है ना दी एंड प्रोडक्ट जो जब ऑक्सीजन में एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एनर्जी के बारे में हम नेक्स्ट उस पर पढ़ेंगे एंड जब हमारा इसकी बात करते हैं बिना उसके हमारे एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड जैसे यीस्ट में होता है जिसमें हमारा क्या होता है बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं होता एंड लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है जिसमें लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है जैसे हमारे एनिमल एनिमल मसल्स बेसिकली हमारे भी मसल्स में प्रोड्यूस होता है देन बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी जबकि अगर हम एन ana, एनारोबिक की बात करें एरोबिक में अच्छी खासी एनर्जी बनती है एनारोबिक की बात करें तो मच लेस एनर्जी इज प्रोवाइडेड इन एनारोबिक रेस्पिरेशन तो इसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो बहुत कम होती है ठीक है बेटा आगे बढ़ जाते हैं आगे है हाउ आर दी अच्छा यहाँ पे एक वो आया था ना लास्ट पार्ट था इसमें नेम्स एम ऑर्गैनिज्म दैट यूज़ दी एनरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन तो उसमें यीस्ट आ सकता है और भी बहुत बैक्टीरियाज हैं जो आप लिख सकते हो नेक्स्ट है हमारे पास बेटा हाउ आर दी एल ऑली डाइजेस्टेड टू मैक्सिमाइज दी एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो ये एल कैसे डाइजेस्टिव बोल के, कैसे डिजाइन होती है टू मैक्सिमाइज द मैक्सिमम हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो सके ये इन बिटवीन में भी आया था तो इसको अच्छे से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं द एल वी प्रोवाइड अ सर्विस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज कैन टेक प्लेस द वॉल ऑफ एल वी ऑली यू यूजली कंटेन एंड एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स जो यहाँ पे हमारी एक जैसे एल है तो यहाँ पे काफी सारी ब्लड ब्लड कैपिलरीज हमारी होती है वेसल्स होती हैं वी नो दैट वेन

कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है वो इधर चला जाता है इधर ऑक्सीजन ज्यादा होता है वो इधर आ जाता है बच्चे तो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड या हम हो सकते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहाँ पे टेक प्लेस करता है सो so ये पूरा वही लिखे टेकन अप बाई दी ब्लड फ्रॉम दिस ब्लड वेसल टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल अदर सेल्स ऑफ द ड्यूरिंग द नॉर्मल ब्रीदिंग साइकिल वैन एयर इज टेकन इट टेकन इन एंड लेट आउट द लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेसिड्यूल वॉल्यूम ऑफ एयर सो दैट देयर इज सफिशेंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज सो जब भी हम इनटेक in हमारा जो इनटेक आउटटेक चलता है उसके अलावा ंगस एक सफिशियंट अमाउंट उसको पहले से ही रखते हैं कि ऐसा ना हो कि भाई जो ऑक्सीजन ले रहे हो फटाफट घूम फिर के कार्बन डाइऑक्साइड बन के आ जाए तो उस प्रोसेस में अच्छे से वो एबजॉर्प्शन हो पाए अच्छे से वो काम हो सके तो ऑलरेडी एक अमाउंट ऑफ सफिशियंट वो रखा जाता है कि जैसे अभी आप जब आ, इनहेल हो जब एक्सेल करोगे तो ऑलरेडी आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है एक्सहेल करने के लिए ताकि पूरा अच्छे से एबजॉर्प्शन हो सके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चे टेंथ क्वेश्चन है वॉट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ऑफ डेफिशिय ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडी अगर हमारी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन है वो कम हो जाएगा तो क्या होगा सो so, हमें पता है ये जो हीमोग्लोबिन होता है बेटा ये रेड ब्लड सेल्स में होता है एंड ये जो अभी हम एल वी की बात कर रहे थे यहाँ पे जो सारा ये सप्लाई होता है ना ये काम सारा रेड ब्लड सेल्स ही करते हैं मतलब घूम फिर के ये हीमोग्लोबिन ही है जो हेल्प करता है यहाँ पे जो फ्लो करता है जिससे ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है सो so, हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन टू दी बॉडी सेल्स सो यहाँ से वो ले जाके सर्कुलेट जो भी हम ये सेलोलर रेस्परेशन पढ़ रहे थे यहाँ से ही सारा ही एक ऑक्सीजन को ग्रैब करके बाकी जगह फैलाने का काम रेड ब्लड सेल्स करते हैं जिसमें ये ह्यूमोग्लोबिन हेल्प करता है सो so, कहा गया अ डेफिशियंसी ऑफ ह्यूमोग्लोबिन कैन अफेक्ट द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ रेड ब्लड सेल्स दिस लेट टू अ लैक ऑफ ऑक्सीजन इनअर बॉडी सेल्स हिमोग्लोबिन डेफिशियंसी लेट्स टू अ डिजीज कॉल एनीमिया ठीक है सो उससे हमें ये बीमारी हो सकती है मतलब हीमोग्लोबिन बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के लिए नेक्स्ट बेटा इलेवेंथ क्वेश्चन है डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स वाई इज इट नेसेसरी सो डबल सर्कुलेशन क्यों होता है बेटा पहले हमारी बॉडी जैसे हमारे हार्ट में पूरी बॉडी से जितना भी डी ऑक्सीजेटेड ब्लड है वो हमारी हार्ट में जाता है हार्ट से फिर वो उसको लंग्स में भेजते हैं फिर लंग से ऑक्सीजनेट होकर ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से हार्ट में आता है एंड देन पूरी बॉडी में वो फैल जाता है सो so, ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें एक बार सारी सारे बॉडी पार्ट से हमारे हार्ट में आ रहे हैं ब्लड एक बार लंग्स में लंग से हमारे हार्ट में आ रहा है तो दो बार हार्ट से पास होता हुआ ये पूरा प्रोसेस होता है इसीलिए इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं एंड क्यों ये जरूरी है बेटा ताकि हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग-अलग रह सके नाउ इन आर हार्ट ब्लड एंटर्स ट्वाइस एंड आल्सो पंपड आउट टू वॉयस फ्रॉम द हार्ट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी इज ब्रॉट टू द राइट एट्रियम थ्रू वेना कावा फ्रॉम वेयर इट इज सेंट टू दी राइट वेंटिक ऐसे याद नहीं हमने पूरा ऐसे डाइग्राम किया था ऐसे ही बता दू डिस्क्रिप्शन में किया था हमने ऐसे हार्ट बना के ये चार चेंबर है यहाँ से वेनाकावा से अपर बॉडी का इधर से लोअर बॉडी का इधर से यहाँ पे हमारा सारा ये कौन सी साइड है राइट राइट एट्रियम में आता है वहां से हम राइट वेंटिकल में भेजते हैं फिर राइट वेंटिकल में यहाँ से चला है। जाता है और ये कहाँ जाता है बेटा लंग्स में जाता है सेंट टू दी राइट फ्रॉम दी राइट वेंटिकल द ब्लड इज पंप टू दंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन थ्रो पल्मनरी आर्ट्री आर्टरी की हेल्थ से चला जाता है द ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम दी लंग्स अगेन एंटर्स दी द लेफ्ट एट्रियम ऑफ हार्ट थ्रू वेन्स। फिर यहाँ पे पल्मोनरी वेन्स से हमारा जो लेफ्ट आर्टरी में यहाँ पे सारा ऑक्सीजेटेड ब्लड आ जाता है फिर हम उसको फिर से लेफ्ट वेंटिकल्स में भेजते हैं एंड देन यहाँ से फाइनली हमारे बॉडी पार्ट्स में चला जाता है तो ये पढ़ लेते हैं भाई फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम इट इज सेंट टू लेफ्ट वेंट्रिकल फ्रॉम वेयर द ऑक्सीटेड ब्लड इज पम्प इन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द आटरीज जो वो ऑटा हमारा होता है जो सबसे बड़ी आर्ट्री है हमारी इन दिस वे द ब्लड फ्लोज थ्रू हार्ट टू वॉइस दैट्स वाई इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन ठीक है बेटा और नेक्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का नेसेसिटी ऑफ डबल सर्कुलेशन क्या है द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द ह्यूमन हार्ट आई यूज टू कीप डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड सो फ्रॉम मिक्सिंग ताकि ये ब्लड दोनों मिक्स ना हो इसीलिए वो सेपरेशन रिक्वायर्ड है द टाइप ऑफ सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजेड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड एंडश्योर्स हाईली सफिशियंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू दी बॉडी दिस इज यूजफुल इन केस ऑफ ह्यूम हुर कॉन्स्टेंटली हु कॉन्स्टेंटली नीड एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर ठीक है बेटा चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन जाइलम एंड फ्लोएम सो जाइलम बेटा पानी और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है एंड फ्लोएम पूरे फूड का ट्रांसपोर्ट कर, ट्रांसपोर्ट करता है सो so,

पहुंचेगा नेक्स्ट बच्चे थर्टीन क्वेश्चन है कंपेयर दंक्शनिंग ऑफ एल्विओली इन द लंग्स एंड नेफ्रॉन्स इन द किडनी विद रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग सो बेटा एल्वी के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें एल्वी ऑलिया टाइनी बलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन साइड लंग्स तो ये हमारे लंग्स के अंदर बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है

इसका जो हमारी एलवी है उसका फंक्शन है द एक्सचेंज ऑफ ओ टू मतलब ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस बिटवीन द ब्लड ऑफ द कैपिलरीज दैट सराउंड द एलवी ऑली एंड द गैस प्रेजेंट इन द एलवी ऑली सो वहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है बेसिकली एंड इसका फंक्शन क्या होता है हमारे ब्लड को फिल्ट्रेट करने का द ब्लड एंटर्स द किडनी थ्रू रीनल आर्ट्री द ब्लड इज एंटर्ड हेयर एंड नाइट्रोज वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ Urine is collected by collecting duct. And अगर हम इसकी बात करें एल वी ऑली आर द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज एंड नेफ्रॉन इज द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ठीक है तो ये इन दोनों में डिफरेंस है इनके स्ट्रक्चर में और इनके फंक्शन में ठीक है तो विद दिस दिस वाज़ डिस्पोज लास्ट क्वेश्चन हमारे चैप्टर कंप्लीट होता है इन बिटवीन डिस्कस कर लिए नोट्स हमने डिस्कस कर लिए एंड फाइनली इसकी बैक एक्सरसाइजेस भी डिस्कस कर ली आगे चल के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह सब करेंगे बट फॉर नाउ अभी के लिए हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट अब नेक्स्ट चैप्टर विल डू वन चैप्टर फ्रॉम फिजिक्स सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो डिलर टेक केयर एंड बाय बाय